नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज नेशनल यूथ डे है, युवाओं को समर्पित दिवस। साथ ही युवाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराने वाला, उनके कर्तव्य और अधिकारों का बोध कराने वाला दिवस। सचमुच जब हम युवा शब्द सुनते हैं तो मन उमंग, उत्साह और शक्ति से भर जाता है, क्योंकि युवा है ही ऊर्जा का प्रतीक। इसीलिए उसे मध्याह्न का सूर्य कहा जाता है। यदि युवा शब्द को उल्टा कर दें तो वायु हो जाता है। वायु जो जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है, वायु जो विध्वंस भी कर सकता है तो साथ ही साथ जीवन के लिए अति आवश्यक भी है। तो हमारा युवा, संसार का युवा, विध्वंस नहीं लेकिन रचनात्मक कार्यों में लगकर कैसे संसार के लिए कल्याणकारी हो सकता है, वही एक सुंदर जागृति आज के इस दिवस पर सभी युवाओं को दी जाती है। तो युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। हमारे पास सिर्फ यह पल है, इस पल को जी लें तो अगले पल को खूबसूरत बनाने की संभावना बढ़ जाती है। चीजों की भव्य योजना में भी यह एक बड़े प्रतिमान बदलाव का समय है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। कलयुग को सतयुग में बदलना होगा, मानव को देव बनना होगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यह प्रभु से जुड़ने और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनने का समय है। यह देह अभिमान की निद्रा से जागने का समय है। प्रेरणा स्रोत बने और साथियों को जगाएं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सुंदर सुवाक्य। वक्त कम है इसीलिए जागें और जगाएं। युवा अपना कर्तव्य कर रहा है, हम भी युवा ही हैं, क्योंकि व्यक्ति तन से नहीं लेकिन मन से वृद्ध होता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, टी शर्ट पे उनके लिखा हुआ था कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड विथ 50 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 70 साल के थे लेकिन अपने आप को 20 साल का युवा मानते हुए ये कहते हुए कि मेरे पास 50 साल का सुंदर अनुभव है। मुझे याद आता है दादी जानकी जी, जो ब्रह्मा कुमारीज की चीफ थे, वो भी हमेशा यही कहा करती थी जब हम लोग उनका 91 अर्थात 91वां वर्ष गांठ मना रहे थे। तो किसी ने कहा कि आज दादी 91 वर्ष की हो गई, तो दादी ने तुरंत ही उनके हाथ से माइक लिया और कहा कि खबरदार, कोई मुझे 91 की नहीं कहेगा, मैं 19 की हूँ। रियली, जब हमारे अंदर इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का जोश, कुछ करने का जुनून और जज्बा होता है तो हम ताउम्र युवा बने रहते हैं, और जब हम युवा बने रहते हैं तो बीमारियां भी हमसे दूर रहती हैं। तो आइए, आप सदा स्वस्थ रहें, इन कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आजकल सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है लोगों को। गर्दन की हड्डी में जो हमारा जो 7 वर्टिब्रा होते हैं, और इनके ऊपर ही हमारी जो पूरी मूवमेंट वर्टिब्रा के अंदर से हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज दिमाग में पीछे की तरफ, पीछे के ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। और मैंने पिछले 25-26 साल में ये देख रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ और इसकी डिफरेंट शक्तियों से कनेक्शन है हमारे बॉडी के हर अंग का। गर्दन का जो अंग का कनेक्शन है वो फ्लेक्सिबिलिटी से है। जितना अधिक हम फ्लेक्सिबल रहते हैं, जो ज़िद्दी लोग होते हैं, स्टबर्न नेचर के लोग होते हैं, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर हम फ्लेक्सिबल नेचर अपनी बनाएंगे तो हमारी गर्दन की प्रॉब्लम भी कम होंगी। इसके लिए वैसे तो हमें ध्यान रखना है एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, जैसे एक तरह यहाँ हम एक ये वाली एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, सामने से अपोजिट प्रेशर, इधर राइट से लेफ्ट से अपोजिट प्रेशर, पीछे से बैक अपोजिट, फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, और प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम हमारी खाने में हो, विटामिन डी हमारे खाने में हो। अगर आपकी गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आप आजकल सॉफ्ट राउंड सर्वाइकल पिल्लो आते हैं, उन पिल्लों को आप यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जब भी काम करें गर्दन झुका करके ना करें। अगर आपको तकलीफ़ ज़्यादा है तो आप MRI स्पाइन का करा लें। गर्दन की वजह से आपकी नेक के अलावा बाजू में दर्द आता है, छाती में दर्द आता है, उसका भी आप टेस्ट MRI के द्वारा पता कर सकते हैं। दोस्तों, तो याद रखें, जीवन में फ्लेक्सिबल बने इसके लिए सहनशीलता, सहन करके संभालने की शक्ति, वो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे
आपकी गर्दन की प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। और इवन हम आज प्रॉब्लम नहीं है तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। मित्रों, युवाओं के लिए कहते हैं कि जो चट्टानों से टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से जो टकराता है उसे नौजवान कहते हैं। तो हमेशा ही अपने अंदर हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए युवा तैयार रहता है, उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार रहता है, और इतिहास इस बात का गवाह है। वो युवा ही तो था जिसने शिवाजी महाराज के रूप में स्वराज्य की स्थापना की, उसका सुंदर स्वप्न भी देखा और हमें गर्व से सिर उठाकर जीना सिखाया। वो युवा ही तो था जिसने रानी लक्ष्मीबाई के रूप में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। वो युवा ही था जिसने राजा राम मोहन रॉय के रूप में एक सामाजिक परिवर्तन लाया। वो युवा ही था जिसने तात्या टोपे के रूप में, भगत सिंह के रूप में, आजाद के रूप में अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए हिंदुस्तान से। वो युवा ही है जो आज भी हमारे साइना, सिंधु या फिर अनेक हमारे युवा जो खेल खेलने वाले हैं, उनके माध्यम से राष्ट्र का सिर गर्व से ऊंचा कर रहा है। वास्तव में युवा शक्ति महान शक्ति है जो राष्ट्र को शिखर की ओर लिए जा सकती है। आइए इसी सुंदर भाव के साथ और विश्वास के साथ कि हमारा युवा यूं ही देश को आगे से आगे बढ़ाता रहे, चलते हैं काव्य तरंग की ओर। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। स्वयं में छिपे हुए एक सच्चे नायक से हमारी अपनी पहचान कराती हुई प्रस्तुत है काव्य रचना डिस्कवर विद इन ए हीरो। अपने दिल में खोजे तो एक मिलेगा हमको हीरो, अपने दिल में खोजे तो एक मिलेगा हमको हीरो, जिसके आने से हर मुश्किल हो जाती है जीरो, जिसके आने से हर मुश्किल हो जाती है जीरो। डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो। आशाओं का सूरज बन मन के अंधियार मिटाए, हर दिशाहीन को राह दिखाकर मंजिल पर पहुंचाए, प्रेम से सबके दिल को जीते वो है सच्चा हीरो। डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो। श्रेष्ठ लक्ष्य को हासिल करना मन में लगी लगन हो, जीवन सफल बनाने की जो धुन में सदा मगन हो, सपनों को साकार बना दे वो है सच्चा हीरो। डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो। श्रेष्ठ बोल संकल्प है जिसका मन है शक्तिशाली, ठान लेकर तो मरुभूमि को भी कर दे हरियाली, श्रेष्ठ बोल संकल्प है जिसका मन है शक्तिशाली, ठान लेकर तो मरुभूमि को भी कर दे हरियाली, हो जिसके मजबूत इरादे वो है सच्चा हीरो। डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो। कर्म है जिसके ऐसे जैसे सुंदर कोई कला है, कर्म है जिसके ऐसे जैसे सुंदर कोई कला है, जिसके कदम से कदम मिलाता एक काफिला चला है, सब में जो उत्साह जगा दे वो है सच्चा हीरो। डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो। और दुखियों के दुख दर्द मिटा जो सबको सुखी बनाए, सदगुण के पुष्पों से जो जीवन बगिया महकाए, दुखियों के दुख दर्द मिटा जो सबको सुखी बनाए, सदगुण के पुष्पों से जो जीवन बगिया में गाए, पतझड़ में भी फूल खिलाए वो है सच्चा हीरो। डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो। नया जोश है, नई उमंग है, मन में नई तरंग है, हंसता और हंसाता जो खुशनुमा है सबके संग है, नया जोश है, नई उमंग है, मन में नई तरंग है, हंसता और हंसाता जो खुशनुमा है सबके संग है, खुशियों से हर दामन भर दे वो है सच्चा हीरो। डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो। स्वयं के परिवर्तन से जो जग में परिवर्तन लाए, परम पिता का प्रेम पात्र बन सत्य की राह दिखाए, स्वयं के परिवर्तन से जो जग में परिवर्तन लाए, परम पिता का प्रेम पात्र बन सत्य की राह दिखाए, परिवर्तन की अलख जगा दे वो है सच्चा हीरो। डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो। अपने दिल में खोजे तो एक मिलेगा हमको हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो,
डिस्कवर विद इन ए हीरो, डिस्कवर विद इन ए हीरो। धन्यवाद, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि जो तोड़ने से भी ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं, जो मरकर भी ना मरे उसे भूत कहते हैं, और जो ले जाता है जिंदगी को उठाकर उसे यमदूत कहते हैं, और जो ला सकता है इस संसार में सकारात्मक परिवर्तन, बना सकता है इस संसार को स्वर्ग, उसे यूथ कहते हैं। इतनी सुंदर अपेक्षाएं और आशाएं युवाओं के लिए हैं। यही आशा, उत्साह, उमंग और सकारात्मक भाव युवाओं के अंदर और जन जन में भरने का कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं, ताकि हर एक के अंदर ये भाव जागृत हो, अंदर की शक्ति जागृत हो कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, और अपने इस सकारात्मक ऊर्जा को हम संसार को बेहतर बनाने में, स्वर्ग बनाने में यूज करेंगे। तो ब्रह्मा कुमारियों की सुंदर सेवाओं को आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारी समाज में सभी वर्गों को आध्यात्मिक ज्ञान से लाभान्वित करके एक शांतिपूर्ण समाज बनाने का प्रयास सदा करती है। इसी प्रयास में दिल्ली लोधी रोड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो कि गेल इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम है, उनके रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 10 कार्यशालाएं कराने का निर्णय लिया है। इसी श्रृंखला का नवा प्रवचन समस्या और समाधान विषय पर आयोजित किया गया। ब्रह्मा कुमारिस के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और वास्तुकला विंग के क्षेत्रीय समन्वयक बीके पीयूष भाई जी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज नहीं तो कल होगा हर मुश्किल का हल। इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी समस्या से परेशान नहीं होना, मुझे तो समस्याओं का आह्वान करना है, क्योंकि समस्या ज्यादा आएंगी तो मुझे ज्यादा मजबूती मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अनुभव इस बात की पुष्टि करता है कि हर समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। तत्पश्चात प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास कराया गया तथा संगोष्ठी का समापन प्रश्नोत्तर के साथ हुआ। सबको रक्षा सूत्र बांधते हुए और ये प्रतिज्ञा कराते हुए कि अपने जीवन को, अपने संकल्पों को और साथ ही अपनी ऊर्जा को हम सकारात्मक समाज के निर्माण में लगाएंगे, ये सुंदर कर्तव्य करती हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें। और सचमुच ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ आदरणीय रत्नमोहिनी दादी जी हमेशा कहती हैं, चूँकि आज युवाओं पे फोकस्ड हमारा सब रंग है, वो कहती हैं युवा, युवा अर्थात यू आर, तुम ही हो जिसे समाज का कल्याण करना है, तुम ही हो जिसे खड़े होना है, उठना है और प्रकाश की ओर चलना है, अच्छाई की ओर चलना है, कोई करे या ना करे, बट यू आर, तुम्हें करना है। युवा के लिए जब उनके ऐसे सुंदर शब्द सुनते हैं तो मन उत्साह से भर जाता है, और ये बिल्कुल सत्य है मित्रों, कोई करे या ना करे, मैं करूँगा। मुझे अपनी मातृभूमि के लिए, विश्व के लिए, अपने समाज के लिए हृदय में प्यार है, और मैं उनके बेहतर भविष्य के लिए अपना जी जान लगा दूं, यही तो युवा करता है। और ये कहते हुए अंत कर रहा हूँ मित्रों, क्योंकि युवाओं का जो जज्बा है वही वास्तव में आज के इस परिदृश्य को परिवर्तित कर सकता है। युवा कहता है, फेंको मेरी जिंदगी को आग में, आग को भी मैं बदल दूंगा बाग में, सर करूंगा आखिर सब मोर्चे कि मौत को भी आ जाने दो सामने। ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग और ऐसा जोश हो तो क्या हम कलयुग को सतयुग में नहीं बदल सकते? जो नकारात्मकता है उसे सकारात्मकता में नहीं बदल सकते? अवश्य, केवल खड़े होने की आवश्यकता है। तो आए, उठें, जागें और समाज को बेहतर बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को इंटरनेशनल यूथ डे की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार, ओम शांति।